अगर आपको याद है बोर्ड भी थी लेकिन आज हम बिल्कुल एक डिफरेंट ही मतलब एक कैमरे का जो फ्रेम है बहुत ही प्यारा लग रहा है। बारिश हो रही है ये हो भी रही है हो रही है बारिश बहुत खूबसूरत स्ट्रक्चर है ना ऐसे इमोशनल लग रहा है ना पेंटिंग लॉर्ड कृष्णा जी का दिल्ली में ना ये भाई। वैसे तो इससे पहले हम जो है इस टेम्पल को जो है वो देख चुके हैं अंदर से नहीं था हमने देखा बाहर से जो है इसे देखा था लेकिन जो है आज अंदर से देखा काफी खूबसूरत है और मैं कहूंगा भाई अंदर जो आपको एक कलर कॉम्बिनेशन व्हाइट के साथ गोल्डन का देखने को मेरा बहुत खूबसूरत लग रहा है। सबसे पहले तो मैं बोलूंगा स्ट्रक्चर बहुत खूबसूरत मतलब आपको वाकई में मेस्मराइज कर देता है। एक तो जिस तरह का वेदर था और जो मतलब लाइटिंग जिस तरीके से आपको नजर आ रही थी ऊपर और जो उसके ऊपर कारीगरी की गई है वो बहुत ही टेम्पल बहुत खूबसूरत है। रात के टाइम मैंने इसकी फोटोजेस जो देखी हुई है ना जो वाटर शो की होती नहीं, है नहीं, हाँ। नहीं वैसी जो लाइटिंग की दूर से जो लोगों ने शॉट्स लिए होते हैं वो मैंने देखा बहुत खूबसूरत लगता है। मतलब हम लोगों ने 2 साल पहले वीडियो देखी थी तो मतलब वो डिफरेंट थी उसमें काफी ज्यादा आपको वाटर शोज दिखाए गए थे और बहुत सारी चीजें थी। अभी जो मतलब आपको आपने देखा ना लाइक शायद 2 सालों के अंदर हम लोगों ने भी मतलब काफी ज्यादा चीजें जो है वो सीखी हैं देखी हैं तो आपके ऊपर ना एक डिफरेंट इम्पैक्ट होता है। अब डोम उसके देखो कितने खूबसूरत लग रहे हैं उसके ऊपर जो हल्की हल्की सी लाइटिंग है वो इतनी प्यारी लग रही है बहुत खूबसूरत है। और जो टेंपल है वहां पर हम लोगों ने काफी ज्यादा मूर्तियां भी बड़ी बड़ी देखी जो कि इससे पहले हम लोगों ने वीडियो देखी उसमें हम लोगों ने नहीं देखा जैसे बोला कि हमने इंटीरियर नहीं देखा था। सो जहां तक हम लोग समझ सके हैं पढ़ के तो स्वामी सहजानंद जी जो है आई थिंक उनको ये टेम्पल जो है वो डेडिकेट किया गया है जो कि लॉर्ड कृष्णा के काफी मतलब बिलीवर थे।
सो अंदर जैसे ही हम लोग जाते हैं, मुझे बहुत ही खूबसूरत लगता है, लाइक पिलर्स आपको नजर आते हैं, उसके ऊपर कारीगरी नजर आती है, फिर लॉर्ड कृष्णा की भी आपको काफी ज्यादा मूर्तियां नजर आती हैं, और पेंटिंग्स भी ऐसी नजर आती है जिसमें आपको भगवान कृष्णा जी की जो लीलाएं हैं वो नजर आती है। बिल्कुल। अच्छा, उसके साथ साथ आप जो है यूके के प्राइम मिनिस्टर जो है वो वहां पर गए हैं, तो उनकी आप जरा बात की जाए। तो सबसे पहले तो भाई मैं कहना चाहूंगा कि बहुत सिंपल नजर आते हैं, और मुझे देखकर जो है बहुत अच्छा लग रहा था उनको भी और उनकी वाइफ को भी, क्योंकि दोनों बहुत सिंपल अटायर में थे, और लिटरली अगर आप इमेजिन करें ना कि एक प्राइम मिनिस्टर हैं और उनके साथ उनकी जो बेगम है वो इतने सिंपल अटायर में, तो एक बिलीव करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर उनकी वाइफ की भी बैकग्राउंड देखा जाए तो वो इंफोसिस जो है उनसे, हाँ उनके मतलब उनकी मूर्ति जो है वो उनकी मदर है, और अक्सर मैं उनकी वीडियोस भी देखती रहती हूँ, और काफी मतलब ऐसी वो बातें करती हैं जो बहुत सारे मैं कहूंगी यंग जनरेशन के लिए एक तरह से मतलब उनको गाइड करती हैं। भाई सबसे पहले मैं भी वाकई में तारीफ करना चाहूंगी कि जिस जितनी सिंपलिसिटी एज अ कपल उनमें नजर आती है, आप वाकई में एक्सपेक्ट नहीं करते आजकल के मटेरियलिस्टिक दुनिया में, और बहुत अच्छा भी लगता है। और हम लोग हमेशा इंडियंस के बारे में ये बात जरूर करते हैं कि इंडियंस की ये एक क्वालिटी है कि वो इतने सिंपल रहते हैं चाहे वो किसी भी पद पर हों, लेकिन ये कि वो सिंपलिसिटी नजर आती है उनके बिहेवियर से, उनके अटायर से, कुछ ऐसा नहीं नजर आता कि अगर जैसे ऑब्वियसली वो यूके के प्राइम मिनिस्टर उनकी वाइफ हैं तो आपको कुछ ऐसा नहीं नजर आ रहा कि भाई बहुत ही कुछ यू नो लशपश सी चीजें हैं तरीके से। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था उनको देखकर, आपको एक पॉजिटिविटी मिलती है। बाकी वेदर की भी अगर वहां पे बात की जाए तो वेदर भी जो है वो काफी अच्छा आपको नजर आ रहा है दिल्ली का। और जो आरती के टाइम पर जिस तरीके से आरती उतारी जा रही थी ना, मतलब मुझे नहीं पता कि उसको क्या बोलते हैं, लेकिन वो बहुत ही खूबसूरत था बिल्कुल। और मैं पर्सनली मतलब जब हम दिल्ली विजिट करेंगे ना तो मैं जरूर जाना चाहूंगी, मतलब इस टेम्पल में अगर अलाउ हुआ, क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसी भी होती है जहाँ पर जिन टेम्पल्स में आपको अलाउ नहीं होता, लेकिन अगर अलाउ हुआ तो डेफिनेटली मैं जरूर विजिट करना चाहूंगी, सुबह के टाइम में भी और शाम के टाइम में भी, क्योंकि शाम के टाइम में भी हाँ एक तो जाना इस टाइम चाहिए ना, कि आप दोनों सुबह के दिन के टाइम में भी रोशनी में भी देख सकें, और वैसे भी बाकी आप जरूर बताइए कि आप इसे किसने विजिट किया हुआ है, लेजर शो भी जो है वो देखा हुआ है, और इसी के साथ गुड बाय।